में आपका आदर सत्कार करने का मुझे मौका मिला. ये जब से आप चुनावों में दोबारा से जीत कर आए हैं, ये पहली बार हम आपसे मिलने का मुझे मौका मिल रहा है. हम दूसरी बार लेकिन इस साल में मिले हैं. आज मार्च 2018 में मैं भारत आया था और आपसे वहां से हमने मिलने का मौका मिला था और हमने बहुत बातों पर हमने अपनी बातचीत करी थी. इसीलिए मैं चाहता था कि मैं इस बार आपको यहाँ पे शांति के कैसल में आपका आपको बुलाऊं. ये एक ऐसा क्षेत्र है जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं इसी भाग से आता हूँ, इसी क्षेत्र से आता हूँ. कुछ महीने पहले ही आप एक बार फिर से चुनावों में जीत कर एक सबसे बड़ी दुनिया की लोकतंत्र के नेतृत्व में आप वापस आए हैं और इसके लिए मैं आपको बहुत ही ज्यादा बधाई देना चाहता हूँ. ये भी दिखाता है कि भारत की लोकतंत्र कितनी ज्यादा अच्छी है और कितनी तेजी से काम करती है और किस तरीके से कि जो हमारी जो मूल्य हैं, चाहे वो स्वतंत्रता के हों, चाहे वो लिबर्टी के हों, या उन वो सभी जो हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमारे जो ये सब मूल्य हैं हम इनका लिए बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण है. इसलिए मैंने सोचा कि हम एक लंबी बातचीत एक दूसरे के साथ मिलकर करें. हमने G7 के बारे में कई बातें कही. हमने उसमें मैं चाहता था कि इसमें भारत एक भागीदार हो क्योंकि वो उसकी भी हम बात सुनने का हमें मौका मिले और इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि हम इस तरीके से क्योंकि मैंने G7 के आयोजन के तरीकों को कुछ बदला है और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से हम आगे से बात करें. इसमें हम बायोडाइवर्सिटी की संरक्षा के लिए हम चेंज हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें और इन ऐसे मुद्दे हैं जिसपे हम भारत के बिना नहीं आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि भारत का इसमें उपस्थित होना हमारे लिए महत्वपूर्ण था और इसीलिए हमने इसीलिए ये उनको निमंत्रित किया है. हमारे आपस के देशों में हमारे देशों में बहुत ही ज्यादा भरोसा है एक दूसरे के ऊपर और ये हम क्योंकि और हम दोनों ही चाहे स्वतंत्रता हो चाहे वो मल्टीलैटरलिज्म हो बहुपक्षता हो हम उस पे दोनों को ही हम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं. ये ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिसमें हमने एक दूसरे के साथ बहुत काम भी किया है चाहे वो पेरिस एग्रीमेंट हो जिसके ऊपर हमने एक साथ मिलकर हमने इसको हम आगे लेकर गए हैं. हमने सिर्फ उन बातों के पुख्ता दोबारा से कहे भी नहीं जिन पे हमने हम काम कर रहे हैं लेकिन हमने कि हमने उन सब बातों पर भी बात की क्योंकि ऐसा ये एक एग्रीमेंट है जिसमें 73 स्टेट्स ने हिस्सा लिया था और अपना हस्ताक्षर किया था और हमारे लिए ये बहुत बड़ी प्राथमिकता रहती है जलवायु परिवर्तन की जिसके ऊपर हम G7 में भी बातचीत करेंगे और हम जानते हैं कि जो भारत है वो अपने प्रतिबद्धताओं से आगे निकल चुका है और निकल रहा है और इसके लिए हम एक दूसरे के साथ हमारा काम जो है वो बहुत जरूरी है. जो हम इसमें और आगे ले जाना चाहते हैं उसमें भी भारत हमारे पूरी तरह से हमारा साथ दे रहा है ताकि हम जो हमारे जो प्रतिबंध है उनको ऊपर हम कर सकें. इसके लिए हमें अपना काम को बढ़ाना होगा, सबको एक साथ ले सभी देशों को एक साथ लेना होगा उसमें हमें ताकि हम हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो उस रास्ते पे चले ताकि हम कार्बन का कम से कम उत्सर्जन होने दें और हम इस तरीके से काम करें कि हम पर्यावरण को की सुरक्षा कर सकें.
और आखिर में जो भारत जो है वो बायोडाइवर्सिटी चार्टर का भी एक बड़ा हिस्सा है और मेरे लिए भारत की प्रतिबद्धता इन सभी मुद्दों पर के बहुत ही ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण है और ये हमें Sur l'Alliance solaire internationale, c'est और हमारे हमने जिस तरीके से हमने अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस का भी जो हमने गठन किया है वो हमें ये भी दिखाता है कि हम एक दूसरे के लिए जो प्रतिबद्ध है और जो भी हम कहते हैं उस पर हम खड़े उतरते हैं चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की उत्सर्जन की बात हो हमें एक ये करना होगा कि हमें एक ऐसा एजेंडा बनाना होगा जिससे हम ठोस नतीजों तक पहुंच सकें मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं उनकी इस इन बात मुद्दों के ऊपर उनकी प्रतिबद्धता को लेकर और ये ऐसे कुछ मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक निर्णय होंगे जो हम एक साथ ले सकते हैं De notre côté, हमारे तरफ से हम भी अपने पूरे दायित्व को के ऊपर काम करेंगे चाहे उसमें फंडिंग की बात हो और मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को ये बताया है कि फ्रांस जो है वो पूरी तरह से वचनबद्ध है और जो भी हमने अपने जो भी वचनबद्धता ली है चाहे वो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे वो ताकि हम और ये भी इस पे हम काम करेंगे कि हम सभी देशों से कहेंगे कि वो अपने कुछ ठोस उद्देश्य हमें हमारे सामने रखें क्लाइमेट फंड के लिए क्योंकि फ्रांस को ये कहा गया था कि वो एक ऐसा फंड तैयार करे बाकी देशों के साथ मिलकर और इसके ऊपर हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं अभी हमने थोड़ी देर पहले मोदी जी के साथ बहुत और भी मुद्दों पर बातचीत की है चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो और जो भी हमें करना होगा ताकि हम इन मुद्दों पर काम कर सकें हम अफ्रीका में भी मिलकर काम कर सकें aussi évoqué ensemble हमने एक साथ मिलकर l'approfondissement de notre partenariat stratégique अपने सामरिक साझेदारी के ऊपर भी बात की कैसे हम इसको आगे ले जा सकते हैं en effet nous avons constaté les progrès importants हमने देखा है कि काफी मुद्दों पर तो हमने बहुत ही ज्यादा हम आगे बढ़ चुके हैं खास क्योंकि 2018 में हमने कुछ बातों पर हमने निर्णय लिए थे उन पर काफी कुछ क्रियान्वयन हो चुके हैं लेकिन हमें अपनी साझेदारी को और भी ज्यादा आगे बढ़ाना है चाहे वो वरुणा हो जो कि फ्रेंच फ्रांस और भारत के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज है चाहे वो Notre coopération spatiale हमारा जो जो स्पेस में जो कोऑपरेशन अंतरिक्ष का हमारा जो सहयोग है उस पे भी हमने एक नया एग्रीमेंट किया है ताकि हम अर्थ का सर्वेलेंस जो है वो सैटेलाइट के द्वारा कर सकें और हम भारत की जो जो इच्छा है जो मिशन जो वीनस और मार्स पे के लिए उसके लिए भी हम पूरी तरह से सहायता देने को तैयार हैं और हम जानते हैं कि भारत अपना एक मिशन चंद्रमा पे भेज चुका है 22 जुलाई को उसके लिए भी हम बधाई देते हैं हम जो फरवरी में जो पुलवामा में जो 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 भी अटैक हुआ था उसके लिए हमने अपनी सहानुभूति जताई है और हम ये कहेंगे कि हम आतंकवाद पे भी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते रहेंगे इसलिए हमने हमने एक जो एफर्ट जो हमने इनिशिएटिव लिया है फ्रांस में उस पर भी भारत ने अपनी वचनबद्धता बताई है हमारा जो रक्षा के क्षेत्र में जो सहयोग है वो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये दिखाता है कि हमें कितना एक दूसरे के ऊपर भरोसा है और हमने ये भी उनको भरोसा दिलाया है कि हम मेक इन इंडिया को भी हम पूरा करेंगे ये एक सामरिक हमारे लिए निर्णय है बहुत ही जरूरी है कि इसके हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ सकें हम पूरे क्षेत्र में जो है शांति बनाए रख सकें और हम सॉवरेनिटी को भी बनाए रखें सभी देशों की और इसके लिए और इसके अंतर्गत हमें काफी अच्छे नतीजे भी मिले हैं
आप जानते हैं कि पहला जो राफेल का जो विमान है वो अगले महीने भारत पहुंच जाएगा और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है और हमने बाकी भी अलग अलग सहयोग क्षेत्रों में जो सहयोग हो रहा है उसके बारे में बातचीत की, उसके बारे में हमने समीक्षा ली और कि उसमें हम आगे और उनमें हम कैसे आगे और बढ़ सकते हैं और हमने सच में सरकारों के बीच में हमारा जो सहयोग है उसको हमने हर एक उसके पहलू पर हमने नजर डाली और बातचीत की। अगर हम सिविल न्यूक्लियर की बात करें, सैनिक परमाणु की बात करें, तो हमने ये कहा है कि इस साल के अंत तक जैतापुर पर हम ऐसे कुछ चीजों पर काम करेंगे ताकि आखिर इस साल के आखिर तक हम इस प्रोजेक्ट को परियोजना को आगे ले जा सकें और हम कुछ जो आखिरी जो कुछ मुद्दे रह गए हैं उन पर हम जल्द से जल्द बातचीत करके हम इस बात को आगे ले जाएंगे और इस प्रधानमंत्री मोदी जी के इस यात्रा के अंतर्गत हमने ये भी एक रोड मैप बनाने की बात करी है जो कि डिजिटल के ऊपर होगा और हम चाहते हैं कि इस पे भी हम ये एक ऐसा एक क्षेत्र है जिसमें हम जो सामरिक क्षेत्र है और उसमें भी हम मिलकर काफी सहयोग कर सकते हैं। हमने अपने सारे ही द्विपक्षीय सहयोग के बारे में भी हर एक पहलू को हमने ध्यान से उसके बारे में उसकी समीक्षा की और हमने देखा है कि ये भी देखा है कि हमारे आर्थिक जो व्यापार है वो उसमें 25% बढ़ोतरी हुई है पिछले एक साल में और इसको हम और भी बढ़ाना चाहेंगे, चाहे वो परिवहन का क्षेत्र हो, चाहे वो और किसी भी कोई क्षेत्र हो। हमारे जो बातचीत जो हुई थी वो काफी और हमारा जो सहयोग है वो काफी डायनेमिक है और जो उद्देश्य जो हमने अपने आप को दिया है मार्च 2018 में जब मैं भारत में गया था वो ये है कि 2020 तक हम अपना सहयोग व्यापार को बढ़ाएंगे और उसको हमने इसी साल ही पा लिया है और ये या तो हमारा जो उद्देश्य थे वो बहुत छोटे थे या फिर हमने बहुत अच्छा काम करके प्रधानमंत्री जी इसको बहुत जल्दी हासिल कर लिया है और इसलिए हमने अपने एक नया उद्देश्य अपने लिए सामने रखा है वो ये है कि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा हम विद्यार्थियों को भी हम एक दूसरे के देश में हम पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। उसके लिए दिल्ली और पेरिस में हम पूरी तरह से सभी अरेंजमेंट्स करने को तैयार हैं, जैसे कि जैसे फ्रांस ने भारत को चुना है वैसे ही भारत ने फ्रांस को चुना है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो हमारी सामरिक साझेदारी है ये सच में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बहुत ही ज्यादा एक बहुत ही बड़ा भूमिका निभाती है और ये काफी सामरिक मुद्दों पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ये एक भरोसे के कारण और ये एक भरोसा इसलिए है कि ये आसानी से नहीं मिलता है और लेकिन इससे ये भरोसे है इसीलिए हम एक दूसरे के साथ एक अच्छी तरह से खुले रूप से बातचीत कर सकते हैं। जैसे कि हमने कश्मीर के बारे में बातचीत की, प्रधानमंत्री जी ने मुझे कश्मीर के बारे में सब कुछ बताया कि जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में उन्होंने मुझे समझाया और मैंने उनको कहा कि ये पाकिस्तान और भारत को मिलकर ही इसका निर्णय इस पे इसका कुछ नतीजा निकालना है और हम चाहेंगे कि कोई भी इसमें तीसरा आदमी इसमें इस हालात में कोई मुद्दों को खराब ना करे, कोई भी इसमें हिंसा को भड़काने की बात नहीं करे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे बताया कि क्या क्या बदलाव वो लेकर आए हैं कि जो भी उन्होंने निर्णय लिया है वो उनकी सॉवरेनिटी का निर्णय है और लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि वहां पे स्थिरता बनी रहे और हम किसी भी तरह के भी इस हालात के को बिगड़ने से बनाए से बचाए। फ्रांस जो है हमेशा ही ध्यान रखेगा कि सभी नागरिकों के जो भी राइट्स हैं वो हमेशा बने रहे और हम हमेशा ही शांति चाहेंगे और चाहेंगे डायलॉग हो और हम चाहते हैं कि ये जो स्थिरता की जो नीति है उस पे
उसको हम पूरी तरह से समर्थन देते हैं कि और कुछ दिनों बाद मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ भी बातचीत करूंगा ताकि हम उनको भी यही कहें कि ये बात इस मुद्दे पर जो है वो द्विपक्षीय तौर पे ही बातचीत होनी चाहिए. हम जो चाहते हैं वो कि हर जगह पे स्थिरता रहे और कोई आतंकवाद की घटना ना हो. मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं उनके इस दूसरे यात्रा के लिए. और ये इस बार हो रही है जो कि फ्रांस की इतिहास के बहुत ही ज्यादा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. और ये जो हॉल है वो इस जो उस समय की बात है ये जब ये हम कहते थे कि ये फ्रांस की शताब्दी मानी जाती थी उस और के हम ये एक ऐसा एक जगह है जहाँ पे बड़े बड़े हमने इवेंट्स का ऑर्गेनाइज किया है. कई बॉलीवुड फिल्म्स भी यहाँ पे उनकी भी फिल्मिंग की गई है शूटिंग की गई है. कई कई बड़े इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए हैं इस ऐतिहासिक जगह पे. हम अपनी बातचीत को आगे चलाते रहेंगे क्योंकि लेकिन हमारे जो रिश्तों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि हम एक दूसरे की बहुत आदर करते हैं. हम एक दूसरे के लिए हमारे लिए बहुत सम्मान है. और आज के हालात दुनिया में ऐसे हैं कि वो हमें मजबूर करते हैं कि हम मिलकर इस दुनिया के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करें और हम बड़े बड़े मुद्दों पर एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ काम करें. बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी. Excellency, President Emmanuel Macron, भारत एवं फ्रांस के सम्मानित delegations, friends, bonsoir, नमस्कार. सबसे पहले मैं अपने परम मित्र President Macron को हार्दिक धन्यवाद देता हूं. उन्होंने इस ऐतिहासिक हेरिटेज साइट में मेरे डेलीगेशन का और मेरा बहुत भव्य और बहुत स्नेह से स्वागत किया. यह मेरे लिए एक यादगार पल है. G7 समिट के लिए राष्ट्रपति मैक्रोन द्वारा आमंत्रण, भारत और फ्रांस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और मेरे प्रति उनके मैत्री भाव का उदाहरण है. आज हमने बहुत लंबी बातचीत की और G7 के जो एजेंडा है जिसका नेतृत्व फ्रांस कर रहा है उसमें पूरी तरह सफलता मिले और भारत को जो सहयोग अपेक्षित है वो सहयोग पूर्ण रूप से आपको प्राप्त हो ये भारत का हमेशा संकल्प रहेगा. बायोडायवर्सिटी हो, क्लाइमेट चेंज हो, कूलिंग और गैस के इश्यूज हो, इन सभी विषयों पर भारत सदियों से परंपरा से संस्कृति से संस्कार से प्रकृति के साथ तालमेल करके ही जीने के पक्ष का रहा है. प्रकृति का विनाश कभी भी मानव कल्याण के लिए उपकारक नहीं हो सकता है. और उस विषय का इनिशिएटिव इस G7 समिट में जब हो रहा है तब भारत को और खुशी के लिए ये पल है. फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस के बीच संबंध सैकड़ों साल पुराना है. हमारी दोस्ती किसी स्वार्थ पर नहीं बल्कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के ठोस आदर्शों पर टिकी है. यही कारण है कि भारत और फ्रांस ने कंधे से कंधा मिलाकर आजादी और लोकतंत्र की रक्षा की है, फासिज्म और एक्सट्रीमिज्म का मुकाबला किया है,
First World War के दौरान हजारों भारतीय सैनिकों का बलिदान आज भी फ्रांस में याद किया जाता है। आज आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट और टेक्नोलॉजी के समावेशी विकास की चुनौतियों का सामना करने के लिए फ्रांस और भारत एक साथ मजबूती से खड़े हैं। हम दोनों देशों ने सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही नहीं की, ठोस कदम भी उठाए हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत और फ्रांस की ऐसी ही एक सफल पहल है। फ्रेंड, दो दशकों से हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की राह पर चल रहे हैं। आज फ्रांस और भारत एक दूसरे के भरोसेमंद पार्टनर हैं। हमारी कठिनाइयों में हमने एक दूसरे का नजरिया समझा है और साथ भी दिया है। फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट मैक्रों और मैंने आज हमारे संबंधों के सभी पक्षों पर विस्तार से चर्चा की। साल 2022 में भारत की आजादी को 75 साल होंगे, तब तक हमने न्यू इंडिया के लिए कई लक्ष्य रखे हैं। हमारा प्रमुख उद्देश्य है भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। विकास के लिए भारत की आवश्यकताओं में फ्रेंच एंटरप्राइज के लिए स्वर्णिम अवसर है। अपने आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए हम स्किल डेवलपमेंट, सिविल एविएशन, आईटी, स्पेस और अन्य बहुत से क्षेत्रों में नए इनिशिएटिव्स के लिए तत्पर हैं। डिफेंस कोऑपरेशन हमारे संबंधों का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे प्रसन्नता है कि विभिन्न परियोजनाओं पर हम अच्छी प्रगति कर रहे हैं। 36 राफेल में से पहला विमान अगले महीने भारत को सौंपा जाएगा। हम टेक्नोलॉजी और को प्रोडक्शन में सहयोग बढ़ाएंगे। फ्रांस पहला देश है जिसके साथ हमने न्यू जनरेशन सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया है। हमने अपनी कंपनियों से आग्रह किया है कि वे जेतापुर प्रोजेक्ट पर तेजी से आगे बढ़े और बिजली की कीमत को भी ध्यान में रखें। यह भी खुशी की बात है कि दोनों ओर से टूरिज्म में बढ़ोतरी हो रही है। लगभग 2.5 लाख फ्रेंच पर्यटक और 7 लाख भारतीय पर्यटक हर वर्ष एक दूसरे के देश में आते हैं। विद्यार्थियों के आदान प्रदान को हायर एजुकेशन के क्षेत्र में विशेष रूप से बढ़ाना चाहिए। 2021-2022 में पूरे फ्रांस में भारतीय सांस्कृतिक फेस्टिवल नमस्ते फ्रांस का अगला एडिशन होगा। मुझे आशा है कि भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति में यह फेस्टिवल फ्रांस के लोगों की रुचि को और गहरा करेगा। मैं जानता हूं कि योग फ्रांस में बहुत लोकप्रिय है। मुझे आशा है कि फ्रांस में मेरे और भी बहुत से दोस्त इसे स्वस्थ जीवन शैली के रूप में अपनाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने ग्लोबल चैलेंजेस के लिए भारत और फ्रांस के सहयोग के महत्व की ओर इशारा किया था। हम दोनों देशों को आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन का लगातार सामना करना पड़ रहा है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुकाबला करने में हमें फ्रांस का बहुमूल्य समर्थन और सहयोग मिला है। इसके लिए हम प्रेसिडेंट मैक्रों का धन्यवाद देते हैं। हमने सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म पर सहयोग को व्यापक बनाने का इरादा किया है। मैरिटाइम और साइबर सिक्योरिटी में भी हमारे बढ़ते सहयोग को और मजबूत करने का फैसला भी हमने किया है। मुझे प्रसन्नता है कि साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के संबंध में एक नए रोडमैप पर हम सहमत हुए हैं।
इंडियन ओशन क्षेत्र में हमारा ऑपरेशनल कोऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में सुरक्षा और सभी के लिए प्रगति सुनिश्चित करने में यह सहयोग महत्वपूर्ण होगा। फ्रेंड्स, मैं अपने अभिन्न मित्र प्रेसिडेंट मैक्रो को इस चुनौतीपूर्ण समय में एक नए विजन, उत्साह और कुशलता के साथ फ्रांस और G7 के नेतृत्व के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। एक्सलेंसी, इस प्रयास में 1.3 बिलियन भारतीयों का पूरा सहयोग और समर्थन आपके साथ है। हम दोनों देश मिलकर सुरक्षित और समृद्ध विश्व का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। बियातिज में G7 समिट में भाग लेने के लिए मैं उत्सुक हूं और इस समिट के लिए आपको और पूरे फ्रांस को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आपके स्नेहपूर्ण निमंत्रण के लिए एक बार फिर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। मर्सी बकू। औ बुआ।